नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। आगरा उत्तर प्रदेश में 65वें एबीपी अधिवेशन की तैयारियां पूर्ण। राजनगरी आगरा में 3 दिवसीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जाएगा। अखिल भारतीय परिषद के इस 65वें अधिवेशन में पूरे देश से करीब 1500 लोगों से ज्यादा इस अधिवेशन में कार्यकर्ता शामिल होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि इस कार्यक्रम में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर नरसिम्हा रेड्डी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो छात्रों का सम्मान करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम में जलियांवाले बाग प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को जलियांवाले बाग के बारे में अवगत कराया जाएगा। यह कार्यक्रम आगरा के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। इसमें 3 दिवसीय अधिवेशन में शिक्षा, रोजगार, आयुर्वेदा जैसे कई विषयों पर बात की जाएगी। आगरा से राशिद कुरैशी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन तक यहाँ होने वाला है, क्या कुछ छात्रों को यहाँ सीखने को मिलेगा और किन किन बिंदुओं पर यहाँ पर ऐसी चर्चा होगी जो देश हित में काम आएगी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ आगरा में 22 से 25 नवंबर के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। आज के दिन केंद्रीय कार्य समिति बैठक यानी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की हमारी मीटिंग हो रही है, जिसमें कौन कौन से प्रस्तावों को, कौन कौन से विषयों को उनका अनुमोदन यहाँ बैठक के अंदर किया जाएगा। पूरे देश भर से लगभग 1500 से अधिक डेलीगेट, यहाँ के ही आगरा के ही कार्यकर्ता, ब्रज प्रांत के कार्यकर्ता, उनका सम्मेलन अगर जोड़ करके देखें तो लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता इसके अंदर रहेंगे। हम इकोनॉमी विषय पर, हम रोजगार विषय पर, राष्ट्रीय एकात्मता विषय के ऊपर, देश भर के वर्तमान परिदृश्य के ऊपर, शिक्षा के बारे में, राज्य विश्वविद्यालयों की जो माली हालत है, चाहे उसके अंदर आगरा विश्वविद्यालय आता है, चाहे कोयम्बटूर के अंदर विश्वविद्यालय आता है, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी आता है, चाहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी आता है, ऐसे सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। जो वहाँ पर फंड्स की कमी है, जो वहाँ माली हालत है, जो वहाँ पर टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होती, ऐसे सभी मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। इसके साथ विद्यार्थी परिषद के जो 13 विभिन्न आयाम हैं, जो IIT से लेकर के प्रोफेशनल कॉलेजेस का भी काम देखते हैं, आयुर्वेदा, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ऐसे सभी स्टूडेंट्स का भी यहाँ सहभागिता होगी। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मिजोरम से लेकर के लद्दाख तक इसमें कार्यकर्ता आएंगे। अंडमान निकोबार के भी कार्यकर्ता इसके अंदर सम्मिलित होंगे। तो एक पूरे लघु भारत का दृश्य यहाँ पर दिखेगा। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड का 100वां वर्ष है, जिसको हम छात्रों के सामने प्रदर्शित करना चाह रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से। तो एक मार्मिक चित्र और छात्रों को राष्ट्रवाद से एक प्रेरणा मिले, कैसा देश को आज़ाद करने के लिए सेक्रीफाइस जिन्होंने दिया है, वो बिना खड़ग और बिना ढाल के नहीं है, वो वास्तव में उसके लिए सच्चे सेक्रीफाइस हुए हैं, उनको जानने का, देखने का एक मौका विद्यार्थी परिषद इस प्रदर्शनी के माध्यम से भी देगी। और इस पूरे अधिवेशन में एक इंस्पायरिंग भाषण जो आज के इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, वे कैट यानी केंद्रीय प्राधिकरण के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के वे चेयरपर्सन हैं, वे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और वर्तमान में वे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। ऐसे दायित्वों पर इतने महान विभूति हमारे बीच में रहेंगे, वो छात्रों को आने वाले वर्षों में, आने वाले जीवन के लिए वो इंस्पायरिंग भाषण विषय उनका रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे दिन यानी जब हमारा प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार उसके प्रदान किया जाता है, उसके प्रदान करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। और इस वर्ष का पुरस्कार श्री सागर रेड्डी, जिनको यह 18 वर्ष से अधिक के जो बालिकाएं अनाथालय से बाहर निकाली जाती हैं, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उस प्रकल्प को चलाने के लिए उनको दिया जा रहा है। आज एबीवीपी की जो राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा यहाँ आगरा में संपन्न होने जा रहा है, उसके निमित्त केंद्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। यहाँ बैठक में देश भर से जो सिलेक्टेड प्रतिनिधि हमारे होते हैं वो यहाँ पर हैं, और अभी जो देश भर में विद्यार्थी परिषद किन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है, जो देश की परिस्थितियाँ उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में क्या मुद्दे चल रहे हैं, देश की वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कि किस तरह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जो 2 राज्य बने उन राज्यों का विकास कैसे हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पर प्रतिनिधि आने वाले हैं, तो उन विषयों को लेकर, और साथ ही जो NRC
एनसीसी का कल असम सरकार ने जो एक निर्णय लिया है कि पूरे देश के तर्ज पर जिस तरह एनआरसी पूरे देश में लागू होने वाली है उसी तर्ज पर भी असम में एनआरसी लागू हो, क्योंकि जो एक देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते हैं, जिसकी विद्यार्थी परिषद बात भी करता है, और एनआरसी भी एक ही तरह की होनी चाहिए, दो तरह की नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो देश के विषय हैं और जो हमारे राज्य विश्वविद्यालयों की माली हालत चल रही है कि किस प्रकार स्टेट यूनिवर्सिटियों हमेशा जो है फंड्स का जो उनको जो है फंड कट का सामना करना पड़ता है, उनके पास सफिशेंट फंड नहीं होता है, किस प्रकार हमारे एजुकेशन की स्थिति पूरे देश भर में है, उसके ऊपर यहाँ पर अभी चर्चा होने वाली है।